हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पीयूष और आज मैं वीडियो लेके आया हूँ वॉलपेपर्स के ऊपर, जो भी आप लेमिनेट करने के लिए यूज़ करते हैं, टावर स्पीकर को या किसी भी फर्नीचर को आप इससे लेमिनेट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि घटिया क्वालिटी के वॉलपेपर्स आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट मिलते हैं, तो उनकी पहचान आप कैसे करेंगे। और मैंने ये रोल बहुत ही सस्ता ख़रीदा था अमेजोन से, लेकिन इसका ग्लू बिल्कुल बेकार है और मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको पहचान सकते हैं और मैं कौन से वॉल पेपर्स का यूज़ करता हूँ लैमिनेट करने के लिए, क्योंकि मोस्टली आजकल इन्हीं का यूज़ होता है और अपने घर में भी हम इन्हीं का यूज़ करते हैं। ये जो अभी वॉल पेपर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वॉल पेपर है जो अमेजोन पे आपको आसानी से मिल जाएगा। इसका रेट थोड़ा इससे ज़्यादा है, लेकिन ये आपको फुल वैल्यू फॉर मनी है और इसका ग्लू क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अभी मैं इसको आपको खोल के कंपेयर भी करके दिखाऊंगा दोनों में, और ये आसानी से आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो दो तीन बार अगर भी अगर आप इसको उतार के दोबारा लगाएंगे तब भी ये आसानी से चिपक जाएगा। ये देखिए, इसका ग्लू बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और ये वाला भी है, इसका टेक्सचर तो अच्छा है लेकिन इसका ग्लू बिल्कुल घटिया है। और ये देखिए, मैं ये बिल्कुल नया पीस है और ये आसानी से उतर जाता है। इसको अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको एक्स्ट्रा ग्लू लगाना पड़ेगा और इसमें आप डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं किसी भी जगह पर, और फेस थोड़ा साफ़ होना चाहिए, लेकिन ग्लू की क्वालिटी भी मैटर करती है। तो ये है इसका रोल और ये टेक्सचर इस तरह का इसमें आता है, बिल्कुल ही हल्की क्वालिटी का ये पेपर है। और ये जो मैंने यूज़ किए हैं इसमें आप ये देख सकते हैं, ये वुडन टेक्सचर में भी आता है, ये दूसरे ब्रांड का है, ये बहुत ही अच्छा है। और ये जो आप देख रहे हैं इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा, ये वॉल पिन का है और इसको आप ख़रीद सकते हैं और ये फुल वैल्यू फॉर मनी है। तो यही थी आज की वीडियो में जानकारी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।